हाय गाइस एंड कैसे हो आप सब लोग। और गाइस आज की जो वीडियो होने वाली है ये होने वाली है आईफोन बाइंग का 2022 के रिलेटेड। एंड अगर आप प्लान करें आईफोन को बाय करने का 2022 के अंदर, देन ये जो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल रहने वाली है। एंड इस वीडियो को जो है मैंने डिवाइड किया हुआ है बजट्स के रिगार्डिंग, सो आपका जितना भी बजट है आप उसके हिसाब से जो है आईफोन को बाय कर सकते हो, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे आपको जो है आईफोन इस वीडियो के अंदर बताया कि आपको इस रेंज के अंदर ये आईफोन जो आपको मिल सकता है एंड आपके लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वाला आईफोन कौन सा रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। एंड मैं आपसे एक चीज बता रहा हूं कि अगर आपने ये जो वीडियो पूरी एंड तक देख ली देन आप भी अपने डिसीजन बहुत ज्यादा आराम से बना सकते हो। सो गाइस बिना कोई देरी हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो मेरा नाम है सूरज, एंड अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड उसी के साथ बेल की नोटिफिकेशन को दबाइए जरूर, ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। सो गाइस बिना कोई देरी हुए लेट्स गेट इनटू वीडियो। सो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे नए आईफोन के बारे में, फिर उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड हैंड आईफोन के बारे में कि आपको कितने बजट में जो है कौन सा आईफोन देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप जो एक एंट्री लेवल आईफोन को बाय करना चाहते हो एंड आपका जो बजट वो अराउंड है 30,000 रुपीज, देन आपके लिए आईफोन एसई 2020 जो है काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहने वाला है, क्योंकि इस फोन के अंदर आपको जो है एक तो 18 बायोनिक चिप देखने को मिल जाती है, काफी अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, एंड उसी के साथ आपको इस फोन का जो कैमरा क्वालिटी वो भी आपको जो है काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। एंड अगर आप एक कॉम्पैक्ट फोन को ढूंढ रहे हो देन ये जो फोन आपके लिए काफी ज्यादा बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि ये जो फोन का साइज जो है आपको काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट देखने को मिल जाता है, एंड उसी के साथ आपको इसके अंदर मिलती है 4.7 इंच की एलसीडी डिस्प्ले। तो अगर आपको एक कॉम्पैक्ट फोन चाहिए एंड आपका जो बजट है 30,000 रुपीज का, देन आईफोन एसई 2020 आपके लिए बहुत ज्यादा एक अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। एंड ये जो फोन है ये आप सब लोग को देखने को मिल जाता है अराउंड 27,000 to 28,000 रुपीज का फ्लिपकार्ट के ऊपर 64 GB। तो अगर आप सब लोग बाय करना चाहते हैं आप जो है फ्लिपकार्ट के ऊपर जाके बाय कर सकते हैं इस फोन को, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा मैंने इस फोन का। सो गाइज अब आपका अगर जो बजट है वो है 40,000 रुपीज का, तो आप 40,000 के अंदर एक अच्छा फोन ढूंढ रहे हो जिसके अंदर आपको बढ़िया फीचर्स मिले थे, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि 40,000 के बजट के अंदर आपको मिलता है आईफोन 12 मिनी। सो आईफोन 12 मिनी जो है ये हर किसी के फोन नहीं है, क्योंकि ये जो है एक छोटा फोन है, बट इस फोन के जो आपको फीचर्स है वो आपको काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि इस फोन के अंदर आपको जो है OLED डिस्प्ले जो है वो आपको देखने को मिल जाती है, उसी के साथ इस फोन के अंदर आपको जो है 5G कनेक्टिविटी मिलती है, उसी के साथ आपको इस फोन के अंदर जो है E14 बायोनिक चिप जो है वो आपको देखने को मिलती है, एंड उसी के साथ इस फोन की जो कैमरा क्वालिटी है वो आपको बहुत ज्यादा जबरदस्त देखने को मिल जाती है। बट ये फोन हर किसी के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो इस फोन के जो डिस्प्ले साइज है वो आपको काफी ज्यादा छोटा देखने को मिलता है, 5.4 इंच का जो है डिस्प्ले साइज आपको मिलता है, उसी के साथ इस फोन की जो है बैटरी वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। बट अगर आपको जो है छोटे साइज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता एंड आपको जो है बैटरी ज्यादा मैटर नहीं करती, देन मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आग बंद करके आप जो है इस फोन को बाय कर लीजिए, क्योंकि ये जो फोन है फिर आपके लिए कंप्लीट पैकेज बन जाता है, क्योंकि काफी सारे फीचर्स जो है आपको इस फोन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। बस आईफोन 12 मिनी जो है दो चीजों को करके मात खाता है, एक तो इसका साइज एंड उसी के साथ इसकी बैटरी कैपेसिटी। एंड अगर आप जो है एक कॉम्पैक्ट फोन को बाय करना चाहते हो, आप ढूंढ रहे हैं कॉम्पैक्ट फोन को काफी ज्यादा टाइम से, देन आपके लिए आईफोन 12 मिनी जो है काफी एक बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है। सो गाइस अब अगर आपका जो बजट है वो है अराउंड 50,000 रुपीज का, देन मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप जो है आईफोन 12 को बाय कीजिए, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट फोन है 2022 के अंदर, क्योंकि ये जो फोन है आपको काफी सारे बढ़िया बढ़िया फीचर्स के साथ देखने को मिलता है, जैसे कि A14 बायोनिक आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलती है, उसी के साथ आपको इसके अंदर 5G कनेक्टिविटी मिलती है, बैटरी लाइफ आपको इस फोन की काफी ज्यादा अच्छी मिलती है, एंड उसी के साथ आपको जो डिस्प्ले साइज भी है इस फोन का जो है काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है, 6.1 इंच का स्क्रीन साइज जो है आपको इस फोन के अंदर देखने को मिल जाता है, उसी के साथ इस फोन का जो कैमरा क्वालिटी है वो आपको बहुत ज्यादा जबरदस्त जो है आपको देखने को मिल जाती है, एंड उसी के साथ इसकी जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो भी आपको काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिलती है। तो अगर आप एक ढूंढ रहे हो एक टोटल पैकेज वाले फोन को, देन मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप जो है आईफोन 12 को बाय कर लीजिए, एंड 50,000 के बजट के अंदर ये फोन आपको वन ऑफ द बेस्ट फोन जो है आपको देखने को मिल जाता है, आईफोन 11 भी आपको मिलता है, बट मैं आपको वो सजेस्ट नहीं करूंगा, उसके बजाय आप जो आईफोन 12 को बाय कीजिए, क्योंकि ये जो फोन आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहने वाला है। सो गाइस अब अगर आपका जो बजट है वो ओवर है 50,000 रुपीज एंड अंडर है 1 लाख रुपीज, देन मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक ही फोन, एंड ये होने वाला है आईफोन 13, क्योंकि अगर आप इतने बजट के अंदर हो देन आईफोन 13 से बेटर फोन जो है आपको कोई भी नहीं मिलने वाला इस बजट के अंदर, क्योंकि आईफोन 13 के अंदर आपको जो फीचर्स है वो आपको काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिलते हैं, जैसे कि इस फोन के अंदर आपको A15 बायोनिक चिप देखने को मिलती है, उसी के साथ इस फोन की जो बैटरी लाइफ वो आपको बहुत ज्यादा अच्छी मिलती है, कैमरा क्वालिटी जो है इस फोन की वो भी आपको जो है बहुत ज्यादा अच्छी मिल जाती है, तो आप इतने अगर बजट में देन आईफोन 13 जो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। सो गाइस ये तो हमने बात की नए आईफोन के बारे में कि अगर आपका बजट जो है इतना है देन आपको ये नया आईफोन देखने मिलेगा, बट अब हम बात करते हैं सेकंड हैंड आईफोन की, अगर आपका इतना बजट है देन आपको कौन सा फोन जो है वो आपको देखने को मिला, तो इसके बारे में अब हम बात करते हैं। सबसे पहले अब अगर आपका जो बजट है वो है अराउंड 20,000 to 30,000 रुपीज का, देन आपको जो है तीन आईफोन जो है इस बजट के अंदर देखने मिलेंगे। सबसे पहले आपको मिलेगा आईफोन 10, नंबर सेकंड जो आपको मिलेगा आईफोन 10R, एंड नंबर थर्ड जो है आपको मिलेगा आईफोन 10S।
तो अगर हम बात करें कि 20 to 30,000 बीच में वन ऑफ द बेस्ट आईफोन कौन सा रहने वाला है, देन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप जो है आईफोन XS को बाय कर लीजिए, क्योंकि आईफोन XS जो है आपके लिए देन ज़्यादा बेटर फोन रहने वाला है, क्योंकि इस फोन के अंदर आपको जो OLED डिस्प्ले देखने को मिलती है, उसी के साथ इस फोन के अंदर आपको जो ड्यूल कैमरा का सेटअप जो है वो आपको देखने को मिल जाता है, एंड उसी के साथ इस फोन के अंदर आपको जो है E12 बायोनिक चिप आपको देखने को मिल जाती है, एंड ये जो फोन है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फोन भी है, क्योंकि अगर आप एक प्रीमियम फोन को बाय करना चाहते हैं 20 to 30,000 के बजट के अंदर, देन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप जो है iPhone XS को बाय कर लीजिए, देन ये जो फोन आपके लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन रहने वाला है। सो गाइज, अब अगर आपको जो बजट है वो है अराउंड 30 to 40,000 का, इस बजट के अंदर आपको जो है दो आईफोन देखने मिलते हैं, एक तो आपको मिलेगा iPhone 11, दूसरा जो है आपको मिलेगा iPhone XS Max। अगर आपको बड़ी डिस्प्ले चाहिए एंड अगर आपको थोड़ा सा प्रीमियम आईफोन और चाहिए, देन आप जो iPhone XS Max को बाय कर सकते हो, बट अगर आपको इतनी ज़्यादा बड़ी डिस्प्ले नहीं चाहिए, देन आप जो iPhone 11 को आग बंद करके देन बाय कर लीजिए। सो गाइज, अब अगर आपका जो बजट है वो अराउंड 40 to 50,000 का, देन आप से लोगों को सिर्फ एक ही आईफोन मिलेगा, एंड ये है iPhone 11 Pro। तो ये जो फोन है आपको मिलेगा अराउंड 64 GB जो है 44 to 45,000 का मिलेगा, एंड वहीं अगर हम बात करें 120 GB या आपको मिलेगा अराउंड 48 to 49,000 का। तो आपको सिर्फ इस प्राइस पॉइंट के अंदर जो है सिर्फ एक ही आईफोन जो है मिलता है, वो है iPhone 11 Pro। सो गाइज, अब अगर आपका जो बजट है वो है अबव 50,000 एंड अंडर 1 lakh rupees, देन मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक ही फोन, एंड ये होने वाला है iPhone 12 Pro, क्योंकि iPhone 12 Pro जो है वो आपको देखने को मिलेगा अराउंड 65,000 का, अगर आप सेकंड हैंड बाय करना चाहते हो, देन ये जो फोन आपके लिए ज्यादा बेटर रहने वाला है, क्योंकि इस फोन के अंदर आपको जो कैमरा भी काफी अच्छे मिल जाते हैं, उसी के साथ आपको जो है इसकी फोन की जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो तो आपको बहुत अच्छी देखने को मिलती है, एंड उसी के साथ इस फोन की जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। तो आपको इस बजट के अंदर यही फोन जो है आपको ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो, आई होप दोस्तों वीडियो आपको हेल्पफुल होगी, तो क्या करना है, इस वीडियो को नीचे लाइक करना है, एंड गाइस अगर आप लोग हमारे चैनल को बने हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल के ऊपर ऐसा अमेजिंग कंटेंट जो आपको देखने को मिलेगा, एंड उसी के साथ मेक श्योर प्रेस दी बेल आइकन, क्योंकि आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। सो गाइस, मिलता हूं मैं आप लोगों से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। सो गाइस, तब तक के लिए जय हिंद।